एक्टर दीप सिद्धू की हादसे में मौत हो गई है। खरखोदा सोनीपत के पास उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हुई। उनके साथ एक दोस्त भी शामिल थी जो सिर्फ घायल ही हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया है। उनके साथ एक महिला दोस्त थी। दीप सिद्धू का शव खरखोदा अस्पताल में है, वहाँ से सोनीपत भी भेजा जा रहा है। दीप सिद्धू कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया था। एसएसपी राहुल शर्मा ने खरखोदा पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली है। आपको बता दें, पंजाब के भटिंडा स्थित नेहरू कॉलोनी निवासी पंजाबी गायक संदीप उर्फ दीप सिद्धू 41 वर्ष के थे। वे अपनी मंगेतर अमेरिकन निवासी रीना रॉय के साथ मंगलवार रात स्कॉर्पियो से ही दिल्ली से पंजाब जा रहे थे।